राम मंदिर का रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे साथ समझिए कैसे सुग्रीव पथ बढ़ाएगा राम मंदिर की शान। अब बिना रुकावट के सीधे पहुंच सकेंगे राम मंदिर, नहीं आएगी जाम की कोई समस्या। पैदल चलने वालों के लिए भी बनाया गया रास्ता। हमारे साथ समझिए राम मंदिर में सुग्रीव पथ के अलावा और क्या क्या है खास। अब राम मंदिर के बाद कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो राम मंदिर की शोभा पहले से ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर पग रखते ही आप राम मंदिर तक चले जाएंगे। इसको लेकर यूपी सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। दरअसल राम मंदिर में बढ़ती भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुग्रीव पथ बनाने का निर्णय ले लिया गया है। नए मार्ग के निर्माण से मंदिर दर्शन में लोगों को आसानी हो जाएगी। सुग्रीव पथ के निर्माण की अनुमानित लागत 11.81 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसके बन जाने से भक्तों को राम मंदिर तक प्रवेश में कोई बाधा नहीं आएगी। राम के इस कार्य के लिए बजट में 51 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित की गई है, जबकि बाकी रकम का इस्तेमाल 17 मीटर की चौड़ाई वाला गलियारा बनाने के लिए किया जाएगी। इसमें एक 5 मीटर फुटपाथ भी बनाया जाएगा, ताकि पैदल चलने वाले भक्त इस मार्ग से आसानी से अपना सफर पूरा कर पाए। तो वहीं सुग्रीव पथ के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है, जिसके एसबी सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लानी होगी। योगी सरकार सुग्रीव पथ का निर्माण भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करवा रही है। इस मार्ग के बन जाने के बाद में राम मंदिर में जाने वाले लोगों को विशेष सहजता मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके द्वारा जाम की समस्या का भी समाधान काफी हद तक हो जाएगा। इस नए सुग्रीव पथ के साथ और भी कई कार्य हैं जो राम मंदिर को अलौकिक बनाते हैं, जैसे अयोध्या के राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली के द्वारा बनाया जा रहा है। इस राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। तो वहीं ये भव्य राम मंदिर 3 मंजिल की है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। इतना ही नहीं, इस राम मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस राम मंदिर में 5 मंडप हैं, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल है। इतना ही नहीं, इस राम मंदिर में लगे खंभों और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इस राम मंदिर में चारों ओर आयताकार परकोटा यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। तो वहीं इन परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा, तो वहीं दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बना है। राम मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जहां जटायु प्रतिमा की स्थापना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहां की धरती के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्क्रीट नहीं है। राम मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉन्क्रीट यानी बिछाई गई है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। फिलहाल राम मंदिर को लेकर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप राम मंदिर में बनने वाले सुग्रीव पथ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर में इस पथ के बन जाने के बाद में भक्तों को राम मंदिर तक पहुंचने में और आसानी हो जाएगी? इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।